नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिल्म टेनमेंट पर। दोस्तों, आज बात करेंगे गायिका शारदा जी की और उनके एक ऐसे गाने के बारे में जिसने उन्हें न सिर्फ रातों रात स्टार बना दिया, बल्कि उस गाने ने लता जी जैसी गायिका के स्टारडम को भी हिला दिया था। और उस गाने ने ऐसा कमाल किया कि फिल्मी दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। जो अब तक नहीं हुआ था वो इस गाने के बाद हुआ, जो अब तक जारी है। तो इस गाने के बारे में जानने से पहले शारदा जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शारदा जी का जन्म तमिलनाडु के एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन वहीं पर गुजरा। परिवार ऐसा रूढ़िवादी कि फिल्म देखना तो दूर, उन्हें तमिल गाने भी सुनने की इजाज़त नहीं थी। उनके घर पर रेडियो तक नहीं था, पर शारदा जी अक्सर मोहल्ले और गली में बजने वाले रेडियो सुनकर उन गानों को याद कर लिया करती थी। रेडियो पर प्रसारित हिंदी गाने शारदा जी को बहुत असरदार लगते थे। शारदा जी उन्हें तमिल में लिख लेती थीं और अकेले में गुनगुनाया करती थीं। इस तरह हिंदी गानों को लेकर शारदा जी की दीवानगी बढ़ती गई। उनकी इस दीवानगी को उनकी माँ ने पहचान लिया और उन्हें कर्नाटकी शैली में संगीत की तालीम दिलवाई। कुछ समय के बाद उनका परिवार तेहरान चला गया। वहाँ अक्सर जिन पार्टियों में भारतीय आते थे, वहाँ शारदा जी हिंदी फिल्मों के गाने गाया करती थीं। फिल्मों के एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर श्रीचंद हिंदुजा उन दिनों तेहरान में थे जब राज कपूर साहब वहां आए। राज साहब के लिए एक पार्टी आयोजित की गई और उसमें शारदा जी को गाने के लिए आमंत्रित किया गया। राज साहब ने गाना सुना तो वो शारदा जी से बोले, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, कभी मुंबई आना तो मुझसे मिलना। कुछ समय बाद शारदा जी का मुंबई आना हुआ तो उन्हें यह जानकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि राज कपूर उन्हें भूले नहीं थे। राज कपूर साहब को अपना वादा याद था। उन्होंने कहा कि अगर वॉइस टेस्ट में तुम्हारी आवाज़ ठीक निकली तो तुम्हें फिल्मों में गाने का मौका दूंगा। राज साहब ने कहा, तुम शंकर जयकिशन के पास जाओ, वो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। शारदा जी शंकर जी से मिली। उन्होंने शारदा जी का गाना सुना और कहा कि अभी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। शंकर जी ने ही शारदा जी की ट्रेनिंग की व्यवस्था की। गुरु जगन्नाथ प्रसाद जी से शारदा जी को संगीत की तालीम दिलवाई। ये वही थे जिन्होंने मुकेश जी को भी संगीत की तालीम दी थी। इसके बाद शंकर जी शारदा जी को नियमित रूप से स्टूडियो में बुलाया करते, जहाँ शारदा जी गानों की रिहर्सल सुना करती थीं। फिर उन गानों को खुद भी गाकर प्रैक्टिस किया करती थीं। और फिर आखिरकार वो मौका भी आया जब शंकर जयकिशन के संगीत में शारदा जी ने फिल्म सूरज के लिए तितली उड़ी उड़ जो चली गाना गाया। यही वो गाना था जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था। सूरज के गानों की शोहरत ने शारदा जी को रातों रात स्टार बना दिया। इसी फिल्म का एक और गाना बहुत पसंद किया गया, देखो मेरा दिल मचल गया, उन्हें देखा और देखो मेरा दिल मचल गया, उन्हें देखा और बदल गया। उस साल फिल्म फेयर अवार्ड के लिए सूरज फिल्म के गाने छा गए। तितली उड़ी और रफ़ी साहब के गाए गाने बहारों फूल बरसाओ को बराबर बराबर वोट मिले। उस समय तक फिल्म फेयर में गायकों के लिए एक ही अवार्ड मिलता था। खैर, अवार्ड तो रफ़ी साहब को मिला, लेकिन शारदा जी को एक स्पेशल अवार्ड दिया गया।
लेकिन इस वाकये के बाद फिल्म फेयर अवार्ड का इतिहास बदल गया, क्योंकि इसके अगले साल से गायकों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड को दो कैटेगरी में विभाजित कर दिया गया, मेल और फीमेल, जो आज तक जारी है। कहा जाता है कि इस गाने के बाद लता जी भी काफ़ी परेशान हो गई थी। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि लता जी और शारदा जी दो अलग अलग प्रकृति की गायिकाएं थीं, इसलिए शारदा जी की सफलता से लता जी को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा होगा। पर उस वक्त की मीडिया में इस बात के चर्चे थे कि लता जी के स्टारडम को धक्का लगा है। धीरे धीरे शंकर जय किशन का शारदा जी की आवाज़ और उनकी मेहनत पर भरोसा बढ़ता गया। गुमनाम, अराउंड द वर्ल्ड, शतरंज जैसी फिल्मों में शंकर जय किशन ने उन्हें मौके दिए। ख़ास तौर पर शंकर जी शारदा जी से बहुत खुश थे और शारदा जी ने भी शंकर जी का भरोसा कभी टूटने नहीं दिया। महज 20 गाने गाने के बाद फिल्म जहां प्यार मिले के गाने बात ज़रा है आपस की के लिए शारदा जी ने फिल्म फेयर अवार्ड भी आखिरकार हासिल कर लिया। शारदा जी ने बाद में अपने इंटरव्यूज़ के दौरान बताया कि मेरी सफलता को लेकर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को समस्याएं होने लगी थीं, मेरी आलोचना की जाने लगी थी, शारदा जी की आवाज़ अनगढ़ और बच्चों जैसी है ऐसा कहा जाने लगा था। उस समय शंकर जय किशन की जोड़ी का फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा दबदबा था कि कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन पर्दे के पीछे से मेरे खिलाफ़ षड्यंत्र शुरू हो गए थे। शंकर जी ने किसी की भी परवाह न करते हुए मेरा साथ दिया। उन्हें मेरा गुरु, गॉडफादर या संरक्षक जो भी समझ लीजिए, लेकिन गुमनाम शारदा को शोहरत उन्हीं की बदौलत ही मिली। हर इंसान का एक समय होता है। शंकर जय किशन की जोड़ी का समय धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, फिर भी शंकर जी ने उनकी आवाज़ को लेकर प्रयोग करना जारी रखा। फिल्म सीमा में रफ़ी साहब के गाए गाने जब भी ये दिल उदास होता है में शारदा जी की आवाज़ को केवल हमिंग के तौर पर इस्तेमाल किया, जिससे आभास हो कि कोई ख्यालों में गुनगुना रहा है। यह प्रयोग फिर उषा खन्ना और रवि जी जैसे दो तीन संगीतकारों को छोड़कर किसी ने भी शारदा जी को मौका नहीं दिया। साल 1987 में जब शंकर जी का निधन हुआ तो शारदा जी बहुत मायूस हो गईं, लेकिन शंकर जी के जिस भरोसे ने शारदा जी को गायिका के रूप में स्थापित किया, उसी भरोसे के दम पर आज भी लोग शारदा जी को भूले नहीं हैं। शारदा जी जब भी देश विदेश में किसी प्रोग्राम में जाती हैं तो उनसे तितली उड़ी गाने को सुनाने की फरमाइश ज़रूर होती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर करें। आप अपना प्यार सुपर थैंक्स के जरिए भी दिखा सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें। फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।